ना हीरो बनाए नहीं जा सकते, वो होंगे आ हीरो होंगे ने। लोग कहते सी दीप भाई का कोई बैकअप आ, लोग कहते सी दीप के पिछे कोई तो है, वो जो ज्ञान पिछे सी ना उन्होंने डोलन नहीं दे रहा सी, कितने झुकन नहीं दे रहा सी, कितने किसी बंदे तो डरन नहीं दिता सी उहदा ज्ञान। हीरो बने आए किसानी अंदोलन च, कई ने कहा जी ये तो गदार आ जी, कई ने कहा जी ये तो वह करना आया जी राजनीति करना आया। तो भाई कहता हूँ यार अर्पित कोई लोड़ नहीं जवाब देने की, अकाल पुरख जवाब दूगा। पर जिदा वो गया ना वो अनएक्सपैक्टेड आ, सोच ही नहीं सकते सी कदे, अजे भी नहीं लगता, अजे भी लगता है कि शायद झूठ ही ना हो भी, है ना। जिस दिन भाई का संस्कार होया तो मैं हैरान सी, मैं कहा यार देखो लोगों ने किड्डा जबरदस्त जवाब दिता। रोज़ रात में बहुत औखी रात लगती है, परेशान हो जाता, चीज़ा वो याद आदि ने। ऐसा बंदा गवा लिया जिहड़ा बंदे दे पिछे पूरा संसार तुरिया होया सी, वो मेरे कोल सी, मेरे घर च बैठा सी, और मैं कहना सी नहीं भाई मैं अपने कम्मां च बिजी हां। अज जदों चीज़ां विच रह गईआं ने ना, तो वह मैनूं लगता नहीं कि मैं वो प्रोजैक्ट जिहड़ा किसी ने भी बना सकदा। वह जिहड़ा प्रोजैक्ट सी दीप लई ही लिखा गया सी। बहुत बार मैं भाई ना इस गल्ल ते कंसर्न कर दिंदा सी कि भाई तुहाडी सेफ्टी नूं लैके जां तुहाडी ड्राइविंग नूं लैके ना तुहाडे नाल बंदे छड्डने चाहीदे आ। मैं अज ये सोचता कि वो मेरी गलती है, जे मैं अड़ उड़ के ही किसी तरीके ना कोई बंदा नाल छड़ दिंदा शायद आ चीज़ा नहीं होंदिया। मेरे तो घर च सी भाई, मेरे तो जिदा मेरे घर च गंगा सी। भाई कहता यार हुण ना बड़ी जबरदस्त टीम बनी अपनी, भी फिल्म आपां बनाउने आ ते डिस्ट्रीब्यूशन भी तू घर दी करन लग पिया, प्रमोशन भी आपां करदे आ। कहता यार आपां तां राज करांगे इंडस्ट्री दे। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है, मैं हाँ सिमरनजीत सिंह दीवान टोडरमल हाल दे विच खड़े हाँ। कल नूं इस थान दे उत्ते वीर संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू होरां दी अंतम अरदास आ साडे नाल, उहनां दे अजीज़ हरप्रीत देवगन ने। स्वागत है भाई पहलां प्रो पंजाब। सत श्री अकाल जी। बहुत नज़दीक रहे हो दीप दे तुसीं, ये कदे सोचा नहीं होना चेत्या दे विच कि कदे खुद तैयारियां कराउणियां पैणगियां भोग दियां, कदे तां फिल्म दियां तैयारियां हुंदियां सीगियां। जे मैं पुछा किवें महसूस कर रहे हो अज भी उहदा घट आ, कौम नूं तां हैगा ही हैगा, पर जिहड़ी जिहड़े नेड़े सी उह की सोचते ने? जिदा ना मतलब बहुत बार मैं भाई ना इस गल्ल ते कंसर्न कर दिंदा सी कि भाई तुहाडी सेफ्टी नूं लैके जां तुहाडी ड्राइविंग नूं लैके ना तुहाडे नाल बंदे छड्डने चाहीदे आ जिहड़ा कोई ड्राइविंग करे जां चीज़ां नूं लैके। पर भाई ना मतलब जिदा जिदा अडोल सी ना डरदा नहीं सी, ते उह कहिंदा कोई चक्कर नहीं कोई चक्कर नहीं। तो मैं अज ये सोचदा कि वो मेरी गलती है, जे मैं अड़ उड़ के ही किसी तरीके ना कोई बंदा नाल छड्ड दिंदा शायद आ चीज़ा नहीं हुंदियां। ठीक है, दूजी गल ये कि जो हूँ मैं तो रोज़ रात में बहुत औखी रात लगती है, क्योंकि परेशान हो जाता, चीज़ा वो याद आदियां ने। मतलब लोग दीप नूं शायद जिहड़े मिले नहीं उन्होंने तो चलो समझदा, मेरे तो घर च सीगा भाई, मेरे तो जिदा मेरे घर च गंगा सी, तो मैं उस टाइम तो मैं भाई ना सब मैं इग्नोर करता सी कि यार मेरे को टाइम नहीं या मैं अपने काम कर रहा यार। अज मैं फील कर रहा कि नहीं यार मैं किड्डी वड्डी चीज़ गवा ली है, मतलब ऐसा बंदा गवा लिया जिहड़ा बंदे दे पिछे पूरा संसार तुरिया होया सी, वो मेरे कोल सी, मेरे घर च बैठा सी, ते और मैं कहना सी नहीं भाई मैं अपने कम्मां च बिजी हाँ। हुण इस देखो जाना सब ने एक दिन है ना, पर जिदा वो गया ना वो अनएक्सपैक्टेड आ, सोच ही नहीं सकते सी कदे, अजे भी नहीं लगता, अजे भी लगता है कि शायद झूठ ही ना हो भी, है ना। पर इदा दी गल्लां ने बस ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਜੋਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੋਰਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਟੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਉਹ 5-7 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੀਮ ਬਣੀ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਆਹ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਈ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ KGF ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ,
तो असी बड़ा उत्ते काम करना अलग अलग डायरेक्टर मिले कि ये कर सकता हूँ अज जो चीज़ा बिच रह गई ने ना तो वह मैनू लगता नहीं कि मैं वो प्रोजेक्ट जरा किसी ने भी बना सकता क्योंकि जो प्रोजेक्ट से दीप ले ही लिखा गया सी ते ओ जो अज वो देखते हैं कि भी यार उत्थे ये चीज़ा कर रही सी अज इतने खड़े तुहाडे सामने देख लो लोगों लिए अरेजमेंट करा रहे हैं ना पर ये भी चलो ड्यूटी आ असी भरा आ दीप सिद्धू दे रहे तो साडा फर्ज है इस गल्ल ते कि भी असी उहदा अंतिम अरदास जिहड़ी आ वधिया तरीके नाल निभाईए। तुसीं कहा कि दीप कहिंदा सी कि इंडस्ट्री ते राज करांगे आपां, इंडस्ट्री तां इक अलग चीज़ रहेगी। फिल्मां मैं भाई अमरदीप होरां दी पोस्ट पढ़ रहा सी कहिंदे वी फिल्मां तां अड्ड चीज़ आ, तूं तां मेरा भरा सी ते दीप लोगों के दिलों से तो राज करूगा। भाई जी इतिहास हो गया हूँ तो इतिहास मतलब मैं मेरे इन्ने अनरीड मैसेज पे ने इन्ने फोन कॉल मिस कॉल पे लोग बाहरों फोन करते लोग गल करते गल हो नहीं पाती जिद ना गल करते मूहरों अगला रोन लग पा ज आप रोन लग पाने तो ये मैं मैनू सानू खुद को नहीं पता सी कि दीप अंदरों 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 अंदर एड्डा व्डा हो चुका सानू खुद को नहीं पता सी। तो दीप भाई दीप बाई के ना पिछे एक बहुत कमाल की चीज़ सी लोग कहते दीप बाई का कोई बैकअप आ लोग कहते दीप के पिछे कोई तो है दीप के पिछे जो मैं अज सारा एनालिसिस करता ना वो पिछे वह ज्ञान सी वो तीन मोबाइल होंगे तो वह तीन मोबाइल जो एक मोबाइल के उत्ते कुछ ना कुछ सुनता रहा यूट्यूब पर ला के या कुछ करके चंगे चंगे फिलोसफर्स सुनता सी पढ़ता सी बहुत सारिया बुक्स पढ़ता सी जो ज्ञान पिछे से ना उन्होंने डोलन नहीं दे रहा कि झुक नहीं दे रहा कि किसी बंदे तो डरन नहीं दिता सीधा ज्ञान। तो अज यह सारिया चीज़ा देखिए मैं लगता कि फिल्मा बहुत पिछे रह गई सी वो फिल्मा तो गांह आके जिदा ही उन्हें शंभू मोर्चा लाया सी जो उन्हें गल करनी शुरू की उस टाइम ही वो रियल हीरो हो गया सी। तुसी देखो उस टाइम दे बहुत सारे बंदे जिहड़े कि हीरो बने आए किसानी अंदोलन च कई ने उन्होंने कहा जी ये तो गदार आ जी कई ने कहा जी ये तो वो करना आया जी राजनीति करना आया तो मैं बाई नूं कहिंदा बाई जवाब देईए इन्हां गल्लां दा यार भी फलाना बोल गया तो बाई कहिंदा हुंदा सी यार हरप्रीत कोई लोड़ नहीं जवाब देने की अकाल पुरख जवाब दूगा। तो अज जिस दिन बाई का संस्कार होया तो मैं हैरान सी मैं कहा यार देखो लोगों ने किड्डा जबरदस्त जवाब दिता तो मतलब वो हुण मैं कदे कदे ये सोचता हाँ कि यार तुसी ना हीरो बनाए नहीं जा सकते वो होंदे आ हीरो होंदे ने कोई कोई कुछ नहीं कह सकता मतलब अज मैं कहूँ जी मैं सिख के बोलना शुरू कर दाँ तो मैं ऐ हो जाऊँ इदा नहीं हुंदा उन्होंने अंदर हुंदा उन्होंने अंदर चिणग हुंदी है। गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला दे हत्थां च पलिया होया बंदा ठीक है खंडा बाई आजाद बाई साढ़े उन्होंने नाल रहना करना फिर पंथक सफावान चुद गल्ला होनिया हर बंदे प्रति उन्होंने ज्ञान हुंदा सी। मैंने याद है तुहाडे प्रो पंजाब ते एक बार यादविंदर भाई ना इंटरव्यू कर रहे तो वो गल करते करते उन्होंने कहा कि यार राजीव लौंगोवाल समझौता ही तो उन्होंने इंस्टेंटली पता सी तो मैनू पता ही नहीं कि राजीव लौंगोवाल समझौता भी कोई होया सी मतलब उन्होंने हर चीज़ बारे ज्ञान सी और उहदा ज्ञान उहदी ताकत सी।